खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबसे पहली आज के खेती के खास खबर। राज्य में स्थानीय जरूरत के अनुसार उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाए बर लागू है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। कद्दू वर्गीय फसल में वृद्धि नियामक उपयोग के तकनीकी जानकारी, पत्ता गोभी के सौरव अगेती वैरायटी और मूली के सफल खेती। कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा नवा बदलाव आवत रही थे और ये बदलाव ला जान के किसान मन खेती करी तो मतलब बहुत फायदा हुई। कृषि अनुसंबंधित क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश ला बढ़ावा दिए बर स्थानीय जरूरत के अनुसार उत्पादन और उत्पादकता ला बढ़ाए बर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना लागू करे गए है। ये योजना के अनुसार गेहूं, धान, मोटा अनाज, दलहन, तिलहन जैसे प्रमुख खाद्य फसल मन के समुचित विकास बर कोशिश करे जाते। एकर अलावा कृषि पंजीयन, मृदा स्वास्थ्य संवर्धन के काम, वर्षा सिंचित कृषि प्रणाली के विकास, मंडी विकास और बागवानी के संगे संग पशुपालन, मछली पालन ला घलो बढ़ावा दिए जाते। ये योजना ले खेती और अन्य संवर्गीय क्षेत्र में किसान मन के आमदनी ला बढ़ाए की कोशिश करे जाते। बेहतर तकनीक फसल से संबंधित जानकारी ले जान के किसान मन खेती करी तो मतलब अच्छा उत्पादन मिली। अभी के सीजन में लौकी, करेला, तरबूज, खरबूज, कुमड़ा वगैरह कद्दू वर्गीय फसल लेना बढ़िया होते। ज्यादातर बेल वाला फसल में नर पुष्प ज्यादा और मादा पुष्प कम होते, जेकर कारण उत्पादन में कमी आते। एमा संतुलन बनाए बर पादप वृद्धि नियामक दवा के उपयोग लाभदायक होते। पादप वृद्धि नियामक के उपयोग प्रमुख रूप से पौधा के बढ़वार और फल फूल के बढ़ोतरी, फल फूल गिरे के रोकथाम और फल के भंडारण क्षमता बढ़ाए बर घलो करे जाते। एमा ध्यान देहे के बात ये हरे कि हर फसल बर अलग अलग वृद्धि नियामक के उपयोग उपयुक्त होते। अब खेती संबंधी खास खबर। साल 2012-13 में 3 से 5 हार्स पावर तक के पंप बर पहले के समय सीमा ला बढ़ा के 75,000 यूनिट करे जाही। अब एकर अलावा ये पंप में फिक्स्ड चार्जेस और मीटर किराया में छूट दे जाही। एकर लिए 170 करोड़ रुपया के प्रावधान करे गए है। कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते और एकर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित करे गए है एक ठन उपकरण एनडी क्लाउड। ये उपकरण है परत भूमि और खेत के प्रारंभिक जुताई पर बहुत उपयोगी हवे। ये उपकरण एनडी क्लाउड में जुताई करे में खरपतवार मन नष्ट हो जाते और माटी के भीतर दब के जैविक खाद बने में योगदान देते। ये उपकरण की कीमत बहुत सस्ता है और किसान मन इला खरीद के अपन जुताई के कार्य ला बने ढंग से कर सकत है। नवा नवा किस्म अपनाए ले और नवा नवा बीज के उपयोग करे ले ओखर से गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार होते। पत्ता गोभी के व्यावसायिक खेती करे बर एकर उन्नत किस्म है सौरव अगेती, जौन हा वर्षा और ताप के प्रति सहनशील होते। सौरव किस्म के पत्ता गोभी हा बुवाई के बाद लगभग 50 दिन में तैयार हो जाते। ये किस्म के पत्ता गोभी मन नीला हरा रंग के फूल, ज्यादा ठोस और ज्यादा बड़े होते। एक एक पत्ता गोभी के वजन 1 किलो के लगभग होते। ये प्रकार से सौरव किस्म के गोभी हा ज्यादा उत्पादन देवैया किस्म आए। सफलता, अगर कोनो किसान हा नवा जानकारी के हिसाब से खेती किसानी करके सफलता प्राप्त करते तो ओखर सफलता से और किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलते। ऐसने गांव लोरमी के किसान रविकांत भोई हा अपन 1 हेक्टेयर खेत में मूली के खेती करत हवे। दूसर साग भाजी के संगे संग ओहर मूली के खेती ला व्यवसायिक रूप में करत हवे। जानकारी देवत रवि भैया बताते कि मूली के खेती में उन्नत किस्म के बीज ला चयन करे गए है और उन्नत किस्म के अनुसार रख रखाव करे जाते। खेत के तैयारी, ओकर रख रखाव और सिंचाई की व्यवस्था करे में ओला 5,000 रुपया की लागत आया हवे और अनुमान है कि फसल ले ओला लगभग 30,000 की आमदनी हो जाही। पास के शहर में सब्जी के बड़े दुकान लगैया रविकांत भोई के सफल खेती ले प्रेरणा लेके गांव के दूसर किसान घलो खेती करे लगे है। आओ अब जानथन मौसम के हाल चाल। मौसम विभाग ले मिले जानकारी के अनुसार आज दिन भर पानी रुक रुक के गिरही, बादल छाए रही और मौसम ठंडा रही। आज के अंक में बसत के खेती संबंधी नवा नवा जानकारी लेके फिर मिलबो। तब तक बर जय जोहार। नमस्कार। मंडी भाव, आओ
आज जानबो हमर प्रदेश के अलग अलग मंडी मा धान फल और सब्जी मन के का भाव है। आज मनेन्द्रगढ़ कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1080 रुपया और अधिकतम 1455 रुपया प्रति क्विंटल। आज जगदलपुर कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1113 रुपया और अधिकतम 1318 रुपया प्रति क्विंटल। आज कोंडागांव कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1075 रुपया और अधिकतम 1710 रुपया प्रति क्विंटल। आज केसकाल कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1118 रुपया और अधिकतम 1665 रुपया प्रति क्विंटल। आज रायपुर के सब्जी मंडी में अदरक के बने आवक देखे गए हैं। एकर व्यापार करैया व्यापारी मन बताते कि थोक में एकर भाव 30 ले 50 रुपया है, उन्हें चिल्हर में 60 ले 80 रुपया में बिकत है। अब बारी है मंडी समीक्षा की। आज मनेन्द्रगढ़ कृषि उपज मंडी में धान सरना ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1228 रुपया प्रति क्विंटल। धान IR64 ल भाव मिले है 1155 रुपया ले 1240 रुपया प्रति क्विंटल। धान महामाया ल भाव मिले है 1170 रुपया ले 1305 रुपया प्रति क्विंटल। धान पतला ल भाव मिले है 1135 रुपया ले 1318 रुपया प्रति क्विंटल। धान अन्य ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1243 रुपया प्रति क्विंटल। आज जगदलपुर कृषि उपज मंडी में धान सोना मासूरी ल भाव मिले है 1551 रुपया ले 1710 रुपया प्रति क्विंटल। धान HMT नया ल भाव मिले है 1399 रुपया ले 1551 रुपया प्रति क्विंटल। धान HMT पुराना ल भाव मिले है 1551 रुपया ले 1710 रुपया प्रति क्विंटल। आज कोंडागांव कृषि उपज मंडी में धान पतला ल भाव मिले है 1120 रुपया ले 1440 रुपया प्रति क्विंटल। धान अन्य ल भाव मिले है 1099 रुपया ले 1300 रुपया प्रति क्विंटल। धान सरना ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1328 रुपया प्रति क्विंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई, आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाए और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली। तू फिकर ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जा कर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ क्या करूँ? हाँ मैं ऐसे ही करूँगा। हाँ अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा जी जी जी। हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी।
किसान भाई कृषि संबंधित समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1800-1551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। जम्मो संगवारी मल्ला जय जोहार। किसान भाई हो, हमार ये उद्देश्य रहते कि आप मल्ला कृषि संबंधी नया नया जानकारी प्रत्येक एपिसोड में हमन दे सकन। आज हमन आप मल्ला नींबू के आधुनिक और वैज्ञानिक खेती कौन तरीका ले करना चाहिए आवा जानकारी देथन। सिट्रस वंश के अंतर्गत आने वाले उपयोगी फलों को नींबू वंशीय फल कहते हैं। उपोष्ण जलवायु में नींबू अच्छा होता है। मध्यम रूप में शीत और ग्रीष्म उत्तम है। वातावरण में पर्याप्त नमी होना चाहिए। 28 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम तापमान होने पर पौधों को हानि होती है। नींबू में सहनशीलता बहुत होती है, इसलिए नींबू की खेती आसान होती है। अगर पाला न पड़े तो नींबू की खेती में मौसम का असर कोई खास नहीं होता। जल निकास युक्त हर तरह की जमीन में नींबू की खेती ली जा सकती है, लेकिन ऐसी भूमि जिसमें कैल्शियम की मात्रा कुछ अधिक हो नींबू के लिए लाभदायी होती है। नींबू का प्रवर्धन बीज द्वारा और बूटी के द्वारा दोनों ही तरीके से उत्पादन किया जाता है। नींबू के लिए खेत की तैयारी इस तरह से की जानी चाहिए कि पौधे 5 से 6 मीटर की दूरी पर लगाए जा सकें। 3/4 गुना लंबे, 3/4 गुना चौड़े और 3/4 गुना गहरे गड्ढे की तैयारी करें। गड्ढों को कुछ समय तक खुला छोड़ देना चाहिए। पौधे जुलाई और फरवरी माह में लगाए जा सकते हैं। पौधे उतनी ही गहराई में लगाएं जितना कि वो अपने मूल स्थान में था। संधि स्थान भूमि के 20 से 25 सेंटीमीटर ऊपर रखना चाहिए। पौधे लगाते समय प्लांटिंग बोर्ड का उपयोग करें, साथ ही ऐसी व्यवस्था भी करें कि नवीन रोपित पौधों को तेज धूप से बचाया जा सके। पौधे से पास जल एकत्रित बिल्कुल न हो पाए, इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए। मैंने नींबू की खेती की है। यहाँ पर मैंने 3 एकड़ में नींबू लगाया है और इसे सीड प्रोपोगेशन के थ्रू लगाया है, और ये वैरायटी महाराष्ट्र परभनी की है, शाही सरबती एसिड लाइन। किसान भाइयों, आइए मैं आपको नींबू लगाने की जानकारी देना चाहता हूँ। सबसे पहले आता है लैंड प्रिपरेशन। इसमें जो लैंड प्रिपरेशन किया जाता है, सबसे पहले इसका ड्रेनेज सिस्टम देखा जाता है। छत्तीसगढ़ में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो बारिश के पानी को, उपराहा पानी को निकालने के लिए हमें ड्रेनेज सिस्टम बहुत जरूरी होता है। इसके लिए ड्रेनेज सिस्टम के लिए मेन निकासी जो होती है बहुत जरूरी होती है, और नींबू के पौधे को अगर मांदा में लगाया जाए तो हम इसको पानी लगने से काफी बचाया जा सकता है इसको, जिससे हम इसमें गर्मी की फसल ले सकते हैं। संगवारी हो, नींबू की खेती में जल प्रबंधन के घलोक बड़ा महत्व है। सिंचाई कब कब और कतका मात्रा में करन आव जानकारी लेते। वर्षा ऋतु को छोड़कर नींबू को वर्ष पर्यंत सिंचाई की आवश्यकता होती है। शरद ऋतु में 12 से 15 दिनों के अंतर पर कुल 9 से 10 सिंचाई की आवश्यकता होती है। ग्रीष्म ऋतु में 8 से 10 दिन के अंतर से सिंचाई करना चाहिए। सिंचाई का पानी तने से नहीं लगना चाहिए, इसलिए 5 से 6 वर्ष की उम्र वाले वृक्षों को नाली विधि से सिंचाई करनी चाहिए। नींबू के पौधों को प्रारंभिक वर्षों में थाला पद्धति से सिंचाई की जाती है। थाले तने से कम पौध के 1 मीटर चारों ओर छोड़कर बनाना चाहिए। नींबू को सिंचाई की आवश्यकता आरंभिक अवस्था में अधिक होती है और 4 से 5 वर्ष के बाद कम होती है। नींबू में पानी की आवश्यकता हमारे छत्तीसगढ़ में शुरुआत में तो बहुत कम रहती है, लगभग इसको ठंड तक पानी की जरूरत नहीं रहती है, लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ता जाता है वैसे वैसे इसकी पानी की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। अगर 8 साल का अगर पौधा है आपके पास तो इसे प्रति पेड़
80 लीटर पानी डेली रोज जरूरत होती है इसे। अगर आप उसको नहीं देंगे तो फल का गिरना आवश्यक है। तो आप ध्यान रखिए कि आपके पास पर्याप्त पानी होना चाहिए कि आप इसकी खेती करने के लिए। संगवारी हो, नींबू की खेती में खाद प्रबंधन के घलोक बड़ा महत्व है। खाद कब कब और कतका मात्रा में डालन, आओ जानकारी लेथन। खेत की तैयारी करते वक्त खुले छोड़े गए गड्ढों में 40 किलो गोबर की खाद, आधा किलो सुपर फास्फेट, 250 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 25 ग्राम एल्ड्रेक्स 5% चूर्ण मिट्टी में मिलाकर भर दें। नींबू के पौधों में गोबर की खाद या कंपोस्ट, स्फूर और पोटाश की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की आधी मात्रा वर्षा के आरंभ होने पर देना चाहिए। नाइट्रोजन की शेष मात्रा वर्षा समाप्त होने पर दें। जब वृक्ष फलने लगे तो नाइट्रोजन की मात्रा 3 भागों में बांटकर क्रमशः फरवरी, जुलाई और अक्टूबर माह में देना चाहिए। खाद और उर्वरक वृक्ष के फैलाव के अनुसार तने से 1 मीटर दूर चारों ओर फैलाकर देना चाहिए। साथ ही हल्की गुड़ाई और सिंचाई करें। अल्प तत्वों की कमी के लक्षण भी नींबू में अधिकांशतः देखने को मिलते हैं, जिनमें की कॉपर और जिंक प्रमुख है। इसलिए इन तत्वों की कमी के लक्षण दिखाई देते ही कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, बुझा हुआ चूना और पानी का घोल दिया जाना चाहिए। इसकी मात्रा जानकारों और विशेषज्ञों के द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए। जिस भूमि में जस्ते की कमी होती है वहां पर प्रति 4 वर्ष के अंतर पर 1000 किलो जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर भूमि में मिला देना चाहिए। नींबू लगाते समय हमें 3x3 फीट का गड्ढा खोदना चाहिए और जो नींबू जो होता है वो 20x20 फीट में लगाया जाता है। गड्ढा खोदने के बाद उसमें सिंगल सुपर फॉस्फेट, BSC पाउडर और 4 ट्रॉली गोबर खाद की मात्रा डाली जाती है उसमें, और फिर उसके ऊपर नींबू लगाया जाता है। नींबू का पौधा लगाया जाता है वो भी लगभग 15 जुलाई से 1 अगस्त तक कि उसकी रोपाई की जाती है। संगवारी हो, नींबू की खेती में कुछ रोग होए के घलोक डर रही थे। ये रोग का हरे, एखर से कैसे बचन, कौन से दवा ला, कतका मात्रा में कब कब डालन, आओ जानकारी लेथन। वृक्षों के ऊपर की शाखाओं का सूखना, रोगग्रस्त होना, तने की छाल का फटना या क्षतिग्रस्त होना, पत्तियों में पीलापन आना और झड़ जाना, जड़ का क्षतिग्रस्त हो जाना और अंततः वृक्ष का सूख जाना सूखा रोग के सामान्य लक्षण हैं। ये रोग 10 से 15 वर्ष के बाद फूलते फलते वृक्षों में लग जाता है। एक बार रोग लग जाने पर पूरा उद्यान ही नष्ट हो जाता है। इस रोग के अनेक कारण हैं, यानी अनेकों रोगों का ये मिला जुला रूप है। अनुचित उद्यान व्यवस्था और विषाणु रोग ही इसके प्रमुख कारण हैं। उचित जल निकास का न होना, जल तल कम गहराई में होना, अधिक जुताई, गुड़ाई और निंदाई, अपर्याप्त पोषण या पोषक तत्वों की कमी, जड़ों का क्षतिग्रस्त होना, भूमि में कड़ी परत का होना, सिंचाई की गलत विधियां अपनाना, रोग और कीड़ों का उचित नियंत्रण न करना आदि। कैकर रोग और सूखा रोग ही नींबू की खेती में बाधक है। ये रोग सिट्रस कैकर नाम एक जीवाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। इसके दुष्परिणाम स्वरूप पत्तियों और फलों में प्रमुख रूप से कर्कनुमा दाग हो जाते हैं। किसान भाइयों को इन तमाम बातों के लिए हमेशा सावधान रहना चाहिए। इसमें जो रोग लगते हैं वो 3-4 रोग हैं। सबसे बड़ा रोग है कैंकर, जो एक बैक्टीरियल के नाम से जाना जाता है, बैक्टीरियल स्पॉट के नाम से जाना जाता है, और ये काफ़ी कॉमन है। ये बारिश के दिनों में काफ़ी आता है, और इसके समाधान के लिए हमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, जो ब्लू कॉपर के नाम से आता है, और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, ये दोनों को मिला के छिड़काव किया जाता है। अगर आप इसे हर महीने अगर आप छिड़काव करते हैं तो ये कैंकर की संभावना ना के बराबर रहती है। दूसरा डाईबैक नाम का एक चीज़ आता है, जिसमें पेड़ ऊपर से सूखता है
और पूरा पेड़ सूख के मर जाता है। इसके समाधान के लिए हमें बोर्डियो पेस्ट नीचे से 3 फीट के दूरी पर उसके पोत दिया जाता है, उसके तने पे उसको पेस्ट किया जाता है उसको, जिससे डाईबैक की बीमारी काफी कम हो जाती है। हरी नाना मोर नखनारी नाना टेड़ाला टेड़े मोर भैया करी हरी नाना मोर नखनारी नाना टेड़ाला टेड़े मोर भैया ए बारी पालो ए भव जैया टेड़ाला टेड़े मोर भैया बारी पालो ए भव जैया टेड़ाला टेड़े मोर भैया बारी पालो ए भव जैया टेड़ाला टेड़े मोर भैया बारी पालो ए भव जैया टेड़ाला टेड़े मुरमुर माई मिर्चा लगाए टेड़ाला टेड़ा मोर भैया अंग्रीले मुरमुर माई मिर्चा लगाए टेड़ाला टेड़ा मोर भैया मुरमुर माई मिर्चा लगाए टेड़ाला टेड़ा मोर भैया अंग्रीले मुरमुर माई मिर्चा लगाए टेड़ाला टेड़ा मोर भैया बारी पालो ए भव जैया टेड़ाला टेड़े मोर भैया बारी पालो ए भव जैया टेड़ाला मोर भैया बारी पालो ए भव जैया टेड़ाला टेड़े मोर भैया बारी पालो ए भव जैया टेड़ाला मोर भैया मुरमुर माय भाटा लगाए टेड़ाला टेड़े मोर भैया अंग्रीले मुरमुर माय भाटा लगाए टेड़ाला टेड़े मोर भैया अंग्रीले मुरमुर माय भाटा लगाए टेड़ाला टेड़े मोर भैया अंग्रीले मुरमुर माय भाटा लगाए टेड़ाला टेड़े मोर भैया बारी पालो ए भव जैया टेड़ाला टेड़े मोर भैया बारी पालो ए भव जैया टेड़ाला मोर भैया बारी पालो ए भव जैया टेड़ाला टेड़े मोर भैया बारी पालो ए भव जैया टेड़ाला टेड़े मोर भैया मुरमुर माय कोहड़ा लगाए टेड़ाला टेड़े मोर भैया अंग्रीले मुरमुर माय कोहड़ा लगाए टेड़ाला टेड़े मोर भैया अंग्रीला मुरमुर माय कोहड़ा लगाए टेड़ाला टेड़े मोर भैया अंग्रीले मुरमुर माय कोहड़ा लगाए टेड़ाला टेड़े मोर भैया बारी पालो ए भव जैया टेड़ाला टेड़े मोर भैया बारी पालो ए भव जैया संगवारी हो अब होवा थे जाय के बेरा अवैया अंक मां नवा फसल के साथ अही समय में फेर उपस्थित होवो। तब तक बर दो विदा, जय जोहार।